वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बर्नौली थ्योरम, मैथमेटिकल एस्पेक्टेशंस के बारे में लर्न किया, डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में हम बेस थ्योरम के बारे में लर्न करेंगे। बेस थ्योरम में प्रियर प्रोबेबिलिटी को हम एक सैंपल प्रोबेबिलिटी के बेस पर रिवाइज करते हैं और फिर उसको रिवाइज करके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो कैसे होती है, आइए देखते हैं कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे करते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बेस थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस। जो बेस थ्योरम है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस के नाम पर रखी गई है। उन्होंने इसको 1763 में पब्लिश किया था। विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम प्रियर प्रोबेबिलिटी आर रिवाइज, प्रियर प्रोबेबिलिटी को हम रिवाइज करते हैं इन द लाइट ऑफ सम सैंपल इंफॉर्मेशन। कुछ हमारे पास सैंपल इंफॉर्मेशन होती है, उस सैंपल इंफॉर्मेशन के बेस पर हम प्रियर प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं और उसके बाद पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। इस थ्योरम को हम थ्योरम ऑफ यूनिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। सपोज इन ए फैक्ट्री A1, A2 आर टू मैन्युफैक्चरिंग मशीन। A1 और A2 दो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है वस्तुओं को बनाने की। मशीन A 70% और मशीन A2 30% गुड्स को आप प्रोडक्शन करती है। A1 में 5% और A2 में 3% डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस होती है। सपोज वी हैव सिलेक्टेड एन आइटम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन से हमने एक आइटम को सिलेक्ट किया और इट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव पाई गई। एंड इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए और A1 और A2, फिर हमें ये निकालना है जो डिफेक्टिव गुड पाई गई है क्या वो A1 से है, मशीन से है या A2 से है। दिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का हम प्रयोग करके इसको फाइंड आउट करते हैं। हियर इन द एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय मशीन A1 and A2 आर द प्रियर प्रोबेबिलिटी। वो हमें पहले से बताया कि 70% प्रोडक्शन A1 से होता है, 30% प्रोडक्शन A2 से होता है, तो वो हमारी प्रियर प्रोबेबिलिटी है। प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव गुड बाय मशीन A इज 5%, दैट इज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सैंपल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जो हमने ऊपर वर्ड यूज किया था। तो 5% और 3% सिंबोलिकली इसको PB
of A1 PB given by A2, हम इनको लिख सकते हैं। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और प्रियर प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 70% और 5%। इस एग्जांपल में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज पी ए वन इंटू पी बी गिवन बाय ए वन एंड पी ए टू इंटू पी बी गिवन बाय ए टू, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों मशीनों की अलग अलग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को मशीन ए की हम टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों मशीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी से, टोटल जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है दोनों मशीनों की उससे डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्ट जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी होती है। हमने क्या है, प्रियर प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 70% 30%, कंडीशनल थी 5% 3%, दोनों को मल्टीप्लाई करके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल किया तो पहली मशीन की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी थी उसको टोटल दोनों मशीनों की जो प्रोबेबिलिटी आई है उससे डिवाइड करेंगे तो पहली मशीन की पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी, इसी प्रकार दूसरी मशीन की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आई है उसको टोटल दोनों मशीनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आई है उससे डिवाइड करेंगे तो दूसरी मशीन की पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोनों मशीनों की पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी का टोटल एक होगा, मतलब जितने भी इवेंट दे रखे हैं उन इवेंट की पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा एक होगा। एग्जांपल से देखते हैं तो और बेटर क्लियर होगा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर का और 6000 ट्रक ड्राइवर का बीमा किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड ए ट्रक ड्राइवर इज 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। ये प्रोबेबिलिटी कि एक स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए उसकी संभावना 1% दैट इज 0.01 है, कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए उसकी संभावना 0.03 है दैट इज 3% है, और एक ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए उसकी संभावना 0.15 दैट इज 15% है। वन ऑफ द इंश्योर्ड ड्राइवर मीट एन एक्सीडेंट, जिन ड्राइवरों का बीमा कर रखा था उसमें से एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, हमें यह बताना है कि वो कार ड्राइवर है इसकी संभावना क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एमडीयू में 2000 में, केयूके में तीन बार 2001, 2002 और 2010 में आ चुका है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हियर थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर आर हियर, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड द ट्रक ड्राइवर। तो स्कूटर ड्राइवर को हमने लिखा A1, कार को लिखा A2 और ट्रक को लिखा A3। उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखा बी से। तो स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टोटल 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 12000 का बीमा था, उसमें से स्कूटर ड्राइवर थे 2000, 2000 फेवरेबल हो गए, टोटल हो गए 12000, तो उसका स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। इसी प्रकार हम कार ड्राइवर की निकालेंगे PA2, 4000 भाग में 12000, 1/3 या 2/6। इसी प्रकार हम ट्रक ड्राइवर की निकालेंगे, 6000 थे टोटल 12000 थे, तो PA3 6000 भाग में 12000, 1/2 या 3/6। अब हम एक टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा टेबल से। हमने क्या लिखा, इवेंट लिखा पहले कॉलम में PA1, PA2, PA3, दूसरे कॉलम में प्रियर प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने निकाली है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो 1/6, कार ड्राइवर हो 2/6, ट्रक ड्राइवर हो 3/6। उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको PB ओवर A गिवन बाय A, कॉलम 3 में लिखा, गिवन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 1% है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, 3% है
कार ड्राइवर का हो जाए और 15% है ट्रक ड्राइवर का हो जाए। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉलम दो और कॉलम तीन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉलम चार आ जाएगा 1/6 × 0.01, तो ये आ गया 0.01/6। फिर 2/6 × 0.03, तो ये आ गया 0.06/6। थर्ड 3/6 × 0.15, तो ये आ गया 0.45/6। ये तीनों की अलग अलग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इनको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 0.01/6 + 0.06/6 + 0.45/6, तो इनको जोड़ेंगे 1 + 6 = 7 + 45 = 52.52/6 आ गया। अब इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को टोटल ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारी पोस्टियर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहले की फेवरेबल ज्वाइंट पॉलिसी क्या है, पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01/6, उसको हमने डिवाइड किया टोटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के 0.52/6 से, तो ये आ गया 1/52। इसी प्रकार कार की निकालेंगे तो 0.06/6 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, टोटल से डिवाइड किया 0.52/6, तो ये आ गई 6/52। फिर हम तीसरी ट्रक की है 0.45/6, इसको 0.52/6 से डिवाइड किया तो ये आ गई 40/52। तो अब एक ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है, वो कार ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर के होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52, कार ड्राइवर की आ गई 6/52, ट्रक ड्राइवर होने की आ गई 45/52। अब उसने जो पूछा है वो हम आंसर में लिख देंगे, तो देखो इसका टोटल करेंगे तो ये हमेशा 1 आएगा पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का। ये हमारी एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी चेक हो जाएगी कि हमने ठीक किया है। कार ड्राइवर की पूछी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार ड्राइवर मीट एन एक्सीडेंट 6/52, तो ये आ गई 6/52, सोल्व करेंगे 3/26। हमने तो तीनों की निकाल लिया, जो पूछा वो आंसर में लिख देंगे, नहीं तो तीनों पूछे हैं तो तीनों भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बोल्ट फैक्ट्री है, नट बोल्ट बनाती है फैक्ट्री। तीन मशीनें हैं ABC। ए मशीन 25%, बी मशीन 35% और सी मशीन 40% टोटल आउटपुट का प्रोडक्शन करती है। इसमें से पहली मशीन 5%, दूसरी मशीन 4% और तीसरी मशीन 2% डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस करती है। एक बोल्ट को रेंडमली निकाल लिया गया, वो डिफेक्टिव पाया गया, तो हमें यह बताना है प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन ए से बना उसकी संभावना कितनी है, मशीन बी से बना उसकी संभावना कितनी है, तथा मशीन सी से बना उसकी संभावना कितनी है। यह भी क्वेश्चन KUK में दो बार आ चुका है, 2002 और 2004 में। तो इसमें क्या है, टेबल बनाएंगे। इवेंट हो गया A1, A2, A3, मशीन ए से बना A1, मशीन दो से बना A2, मशीन तीन से बना A3। आप इनको ABC भी लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि वो मशीन ए से बना 25%, मशीन बी से बना 35%, मशीन सी से बना 40%। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है कि ए मशीन से डिफेक्टिव आए 5%, बी मशीन से डिफेक्टिव आए 4%, सी मशीन से डिफेक्टिव आए 2%। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरे और तीसरे कॉलम को, 25% × 5% 125/10,000। दूसरे का करेंगे 35/100 × 4/100, तो ये आ जाएगा 140/10,000। 40/100 × 2/100 करेंगे तो ये आ जाएगा 80/10,000। ये आ गई उनकी इंडिविजुअल ज्वाइंट पॉलिसी।
अब सबको टोटल कर लेंगे, 125 प्लस 140 प्लस 80 डिवाइड बाय 10,000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 345 डिवाइड बाय 10,000। अब हमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को टोटल ज्वाइंट पॉलिसी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करके। तो पहले की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 125 डिवाइड बाय 10,000, टोटल से डिवाइड करेंगे 345 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ जाएगी 125 डिवाइड बाय 345, सोल्व करेंगे 25/69। बी की 140 बाय 10,000 है, उसको डिवाइड करेंगे 345 डिवाइड बाय 10,000, तो ये आ जाएगी 140 डिवाइड बाय 345 28/69। तीसरे की 80 बाय 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 345 डिवाइड बाय 10,000 से, तो ये आ जाएगी 80 बाय 345, सोल्व करेंगे 16/69। टोटल करके देखेंगे अगेन 1 आएगा, हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है। अब उसने पूछा है कि वो ए मशीन से प्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25/69, तो 25/69। वो मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 28/69। वो मशीन सी से प्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 16/69। तो इस प्रकार से बेस थ्योरम का प्रयोग करके हम इनको निकालेंगे। तरीके और भी हैं इसको करने के, लेकिन मेरे को सबसे बढ़िया तरीका लगा कि टेबल बना के, बड़ा सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई पजलिंग नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। प्रियर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करो, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को टोटल ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करो, आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगा, वही मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को ये बेस्ट लगा, बेस्ट फॉर्मूला ही मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्वाइन टॉस किया गया, इफ इट टर्न हेड टू बॉल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम ऑन ए, फिर तो बर्तन ए से दो बॉलें निकाली जाएंगी, यदि हेड नहीं आया तो फिर दो बॉल बर्तन बी से निकाली जाएंगी, बर्तन ए में ऑन ए में 3 ब्लैक और 5 वाइट बॉल हैं, ऑन बी में 7 ब्लैक और 1 वाइट बॉल है, इन बोथ द केसेस सिलेक्शन इज मेड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना बॉल को रिप्लेस किए बॉल को विड्रॉ किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that on A is used given that both ball are black, दोनों बोले black आती है, तो ये बताना है A बर्तन के, A on के use करने की संभावना क्या है। तो head और tail दो event हो गए, तो head आने की probability हो गई, उसको हमने लिखा PA, ये हमारी prior probability होगी 1/2, टेल आने की PA2 लिखा, ये हो गई 1/2। कंडीशनल क्या है कि दोनों ब्लैक बॉल आए, तो पहले में 3 बॉल ब्लैक है, 5 वाइट है, तो 3/8। सेकंड उसको रिप्लेस नहीं किया, सेकंड भी ब्लैक का है, 2/7, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी दोनों ब्लैक होने की 6/56। ऑन ए से, ऑन बी से ब्लैक बॉल है 7, टोटल है 8, तो ब्लैक की हो गई 7/8। फिर दूसरी भी ब्लैक, ब्लैक रहेगी 6, टोटल रहेगी 7, 6/7 मल्टीप्लाई करेंगे 42/56 आ गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 1/2 × 6/56, तो 3/56। दूसरे की 1/2 × 42/56, 21/56। टोटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, वो आ गया 24/56। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 3/56, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी 24/56 डिवाइड करेंगे, 3/24 1/8 आ गया। इसी प्रकार दूसरे बर्तन की 21/56 को 24/56 से डिवाइड करेंगे, 21/24 दैट इज 7/8 आ गया, टोटल दोनों का करेंगे तो 1 आ गया।
तो उसने क्या पूछा था, अर्न ए से हो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई रिक्वायर्ड 1/8। तो इस प्रकार से हम बेस थ्योरम का प्रयोग करके इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक पोस्ट ऑफिस में दो क्लर्क काम करते हैं मेल को चेक करने के लिए। ऑन एन एवरेज फर्स्ट क्लर्क 55% मेल को चेक करता है, क्लर्क ए 55% मेल चेक करता है, जबकि क्लर्क बी रिमेनिंग मेल को चेक करता है, तो 45% रह गई, उसकी 45 हो गई। तो ये हमारी प्रियर प्रोबेबिलिटी होगी 55% ए करता है और 45% बी करता है। अब क्या कहता है, ए हैज एन एरर रेट ऑफ 0.03, 3% गलतियां ए करता है, जबकि बी गलतियां करता है 5%। ए मेल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक मेल हमने सिलेक्ट की उसमें गलती पाई गई। अब यह बताना है कि वो ए द्वारा चेक की गई, एक तो यह बताना है। दूसरा, इफ द मेल वाज फाउंड नो एरर, मेल में कोई गलती नहीं पाई गई, तो यह बताना है कि प्रोबेबिलिटी ये बी के द्वारा चेक की गई। दो फितें बतानी है कि एक मेल चेक की गई वो गलत पाई गई, एरर पाई गई, तो वो बी के द्वारा, ए के द्वारा की गई गलती है, ए की मेल है, ये बताना है। दूसरा ये बताना है कोई गलती नहीं पाई गई और वो बी की है, इसकी संभावना बतानी है। एमडीयू में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम बेस थ्योरम से कैलकुलेट कर लेते हैं। ए 55% मेल चेक करता है, ये प्रियर प्रोबेबिलिटी है। बी रेस्ट 45% रह गई, 45% मेल चेक करता है, तो ये उसकी प्रियर प्रोबेबिलिटी हो गई 45%। इनको सोल्व कर लिया तो ये आ गई 11/20 और ये आ गई 9/20। ए गलती करता है 3% 0.03, बी गलती करता है 5% 0.05। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 11/20 इंटू 0.03, तो इसको करेंगे ये 33/2000। बी की निकालेंगे 45 इंटू 0.05, 45% दैट इज 9/20 इंटू 5%, तो ये आ जाएगा 45/2000। टोटल कर लेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, ये आ गया 70/2000। अब पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 33/2000 को 78/2000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ गया 11/26। इसमें 45/2000 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है उसको टोटल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से 70/2000 से डिवाइड करेंगे, 45/78 दैट इज 15/26। टोटल करके देखते हैं तो 1 आ जाता है, 11+15 = 26/26। अब क्या पूछा है उनका आंसर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन हो गई है। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट मेल विल बी चेक्ड बाय ए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 11/26। दूसरा पूछा है एक मेल जो करेक्ट पाई गई वो बी के द्वारा सेलेक्ट की गई थी, बी के द्वारा की गई थी चेक, वो बताना है। तो उसकी गलती की हमने निकाली है 15/26, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो उसके करेक्शन की आ जाएगी 11/26। तो इस प्रकार से हम बेस थ्योरम का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एन एक्सपर्ट ऑन ए फायर एक्सीडेंट, एक आग लगने की घटना हुई, एक एक्सपर्ट द्वारा उसकी जांच पड़ताल की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी दैट देयर कुड हैव बीन ए शॉर्ट सर्किट, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, इसकी संभावना 0.8 है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी एलपीजी एक्सप्लूजन, एलपीजी गैस का सिलेंडर फट गया इसके कारण आग लगी, उसकी संभावना 0.2 है। फिर कहता है चांस ऑफ फायर एक्सीडेंट इज 30% गिवन बाय शॉर्ट सर्किट, कि भाई फायर एक्सीडेंट 30% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो गिवन बाय शॉर्ट सर्किट, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी,
30% है आग के कारण, एलपीजी एक्सप्लोजन के कारण एक्सीडेंट है उसकी है 95%। बेस्ड ऑन दीज व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ फायर, सबसे मुख्य कारण क्या है आग लगने का वो आपको बताना है इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इसमें बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो क्या, आग लगी शॉर्ट सर्किट के कारण, आग लगी सिलेंडर के फट जाने के कारण, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो हमारी प्रियर प्रोबेबिलिटी है 0.8 एंड 0.2। इनको हमने PA1 एंड PA2 से लिखा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि भाई शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, गिवन बाय आग लगना, तो दैट इज कंडीशनल 30% है 0.30। दूसरा उसने बताया 95% के एलपीजी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, गिवन बाय एक्सप्लोजन, तो वो 95% है 0.95 हो गया। अब हम इनकी ज्वाइंट निकाल लेंगे 0.8 इंटू 0.3 0.24 आ जाएगा। दूसरा 0.2 इंटू 0.95 ये आ जाएगा 0.190। अब हम इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का टोटल कर लेंगे, वो आ गया हमारा 0.43। इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी 0.24 को 0.43 से डिवाइड करेंगे 24/43, 0.19 को 0.43 से डिवाइड करेंगे 19/43, टोटल करेंगे 1 आ जाता है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट 24/43, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू द एलपीजी एक्सप्लोजन 19/43। जो एक्सीडेंट शॉर्ट सर्किट के कारण है उसकी प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी बी की तुलना में कि गैस एक्सप्लोजन के कारण है उसकी तुलना में ज्यादा है, हेंस शॉर्ट सर्किट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट। तो शॉर्ट सर्किट होना एक्सीडेंट का मुख्य कारण रहने की संभावना ज्यादा है। तो इस प्रकार से इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में हम बेस थ्योरम का प्रयोग करके और टेबल की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। प्रियर दे रखी है, कंडीशनल दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो आपकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, टोटल करो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, इंडिविजुअल ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को टोटल ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करो, आपकी पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट ए की, इवेंट बी, इवेंट सी, जितने भी इवेंट दिए हैं उनकी। तो इस प्रकार से बेस थ्योरम का प्रयोग करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो हमारी पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।